Welcome, SBI PO PRE 2017. इसके Miscellaneous Questions के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है. Different chapters के word problems real में आपका टेस्ट लेते हैं. आपने different chapters को कैसे पढ़ा, उसको बनाने का approach क्या है, एक साथ सारी chapter का concept आपको याद है या नहीं, समझे हैं या नहीं, real comparison होता है. आइए देखते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है. मैंने यहां पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं. इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप. फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है. An article is marked up 40% higher than CP, but it was sold on X percent discount. The shopkeeper thus gains 12%. What should be the selling price of the article with CP rupees 120 and sold on X percent profit in rupees? कोई article है 40% कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा करके मार्क किया गया, अंकित किया गया मार्क प्राइस, और वहां से एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया गया. इस तरह से सेल करने पर 12% का प्रॉफिट होता है. अगर 120 रुपीज सीपी हो, कॉस्ट प्राइस हो, और एक्स परसेंट जो कि एक्स परसेंट डिस्काउंट दिया गया था, एक्स परसेंट प्रॉफिट पर सेल किया जाता तो कितने में सेल किया जाता? देखिए इधर, देखिए ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है. अगर हम मान लें कि ये 100 सीपी है, तो ये दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा पर ये मार्क किया जाता है, यानी 140 पर मार्क किया जाता है, लिखा जाता है मार्क प्राइस, और यहां से एक्स परसेंट का डिस्काउंट देते हैं. डिस्काउंट तो आखिरकार 12% का प्रॉफिट होता है. 12% का प्रॉफिट होने का मतलब यह है कि 100 की वस्तु कुल मिलाकर के 112 में सेल की गई. दिस इज सेलिंग प्राइस. अगर 140 जो मार्क है वो आखिरकार 112 में सेल हो, तो 28 का हुआ कि नहीं, और इस 28 को क्या बोलेंगे, 20% बोलेंगे कि नहीं, 20% का डिस्काउंट. ये जो डिस्काउंट है 20% हुआ कि नहीं, यानी एक्स का वैल्यू हुआ 20%. 20% डिस्काउंट दिया गया है, 20% प्रॉफिट पर सेल करें तो क्या होगा? तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस 120 है, और इसका 20% कितना हुआ, 24, यानी 144 रुपीज आंसर, यानी 144 रुपीज में इसको सेल किया जाना चाहिए. ये क्या है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है एसपी. ये प्रॉफिट क्या है 20%, सीपी को क्या बोलते हैं 100%, और ये क्या हुआ 120%. ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी का है. देयर आर 27 कार्स हैविंग नंबर 1 to 27. टू कार्स आर पिक्ड एट रैंडम वन बाय वन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन दीज टू कार्स इज ऑड? 27 कार्ड्स हैं, उस पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 करके 27 तक लिखा हुआ है. 27 कार्ड्स पर 1 से 27 तक लिखा हुआ है. टू कार्ड्स को लेते हैं, एक एक करके लेते हैं. प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों नंबर का जो सम है उसको ऑड होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से हो सकता है, उसका रेशियो टोटल नंबर ऑफ वेज के साथ. देखिए सबसे पहली बात यह है
कि हम खोजते हैं कि NE क्या है जो कि हम चाहते हैं, NS क्या है जो कि टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकता है, इसी का रेशियो है। तो 27 कार्ड में से टू कार्ड्स को ड्रॉ करना, इसके लिए NS क्या हुआ, यानी ये कुल कितने तरीके से ये 27 में से टू कार्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है 27C2 कॉम्बिनेशन का मामला है, क्योंकि ड्रॉइंग में ऑर्डर नहीं होता, किचन में ड्रॉइंग नहीं होता। अब हम चाहते क्या है, वो NE होगा। हम चाहते हैं कि जो टू कार्ड्स आए उनके नंबर का सम ऑड हो, तो किसी पर वन लिखा है, किसी पर टू लिखा है, थ्री लिखा है, फोर लिखा है, टू कार्ड्स। तो सम ऑड तो तभी आएगा जब एक इवन हो और एक ऑड हो। दोनों ऑड हो तो ऑड का सम ऑड नहीं होता, इवन होता है। दोनों इवन हो तो इवन का सम भी इवन होता है, ऑड नहीं होता है। ऑड होने का एक ही चांस है, एक ऑड होना चाहिए, दूसरा इवन होना चाहिए। तो अप टू 27, 1 से लेकर के 27 तक में 14 ऑड है और 13 ऑड नंबर्स जो हैं, ऑड नंबर वाले कार्ड जो हैं वो 14 है और इवन नंबर वाले कार्ड जो हैं वो 13 है। बोलेगा कैसे, तो मैं कहता हूं ठीक है, 27 है ना, 26 पर आ जाइए। 26 तक में 13 ऑड, 13 इवन और ये वाला एक ऑड। अब एक नंबर को प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हम चाहते हो, क्या होगी, एक को ऑड होना चाहिए, तो इस 14 में जब एक आएगा तभी ऑड होगा, और दूसरे को इवन होना चाहिए, इसमें से कोई एक आएगा तो ही होगा, और टोटल नंबर ऑफ वेज ये है, ये है, यानी ये 14 इंटू 13 बाय 27 इंटू 26 बाय फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 ही बोलिए, 13 और ये 13 कैंसिल, 14 बाय 27 इज द आंसर। 14/27 इज द आंसर डी। बोले ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक कंसेप्ट है उससे बाहर क्वेश्चंस आते नहीं, होते नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये टाइम एंड वॉक का क्वेश्चन है। बी इज 20% मोर इफिशियंट देन ए, बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाय ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 डेज। Ratio of work done by A and B is 3:2. In how many days A and B working together complete the whole work? B 20% ज्यादा कुशल है, efficient है A से। B ने काम करना शुरू किया और X days तक work किया और फिर B हट गया, उसके जगह पर A आया और A ने बाकी काम को X plus 8 days में खत्म किया। दोनों ने जो काम किया A और B ने, वो दरअसल 3:2 के रेशियो में किया। बताइए ए और बी दोनों काम करते तो काम कितने दिनों में खत्म होता। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन कितने दिन में कर सकता है तो नहीं मालूम, लेकिन ये अगर पूरा वर्क है तो 3:2 का वर्क है। ए ने 3 यूनिट वर्क किया तो बी ने 2 यूनिट वर्क किया। ये B का पार्ट है और ये A का पार्ट है, ये वर्क है, वर्क वर्क का यही हिसाब है। लेकिन डेज का जहां तक है तो B को लगता है X डेज, लगता नहीं, इतने दिनों इतना काम करने में लगता है, मतलब X डेज वर्क करते हैं, कितना वर्क करते हैं मालूम नहीं, लेकिन वर्क पे 40% B वर्क करता है, 60% A वर्क करता है और ये x प्लस 8 डेज। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जिनको समझ में क्वेश्चन ना आ रहा हो क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, समझ गया, थोड़ा सीधा कर दू। तो x प्लस 8 डेज,
इतने दिन ए वर्क करता है, इतने दिन बी वर्क करता है, और ऐसा करने से 60% वर्क ए कर पाता है और 40% वर्क बी कर पाता है, ये दिया हुआ है। शुरुआत वहां से नहीं होगी। बी इज 20% मोर इफिशियंट यूनिट वर्क मेथड इज द बेस्ट मेथड। बी 20% मोर इफिशियंट है, 120% इफिशियंट है, ए अगर 100% है, यानी ए अगर अगर 5 है तो बी 6 है, यानी इफिशियंसी के रेशियो का जहां तक सवाल है, इफिशियंसी के रेशियो का जहां तक सवाल है, तो ए और बी के बारे में ये कहा गया है कि ये मोर इफिशियंट है, यानी ये 100% बोले तो ये 120%, यानी 5:6, यानी ए अगर 5 यूनिट वर्क करता है पर डे तो बी 6 यूनिट वर्क करेगा, यही हमने माना। 5 यूनिट वर्क ए करता है, 5 यूनिट वर्क पर डे, और बी करता है 6 यूनिट वर्क पर डे, ये बी का है और ये ए का है, लेट हमने मान लिया। अब आप मुझे बताइए कि ए अगर रोज 5 खिलौने बनाता हो और 10 दिन काम करे तो 50 खिलौना बनाएगा कि नहीं। तो ए के लिए बात करते हैं, ए ने x प्लस 8 डेज में कितना वर्क किया, तो 5 × x + 8 वर्क किया, और बी ने इतना यूनिट, और बी ने कितना वर्क किया, क्योंकि बी ने x डेज वर्क किया तो 6x यूनिट्स वर्क किया, और दिया हुआ है कि दोनों के जो वर्क का रेशियो है, यानी 5 × x + 8 / 6x = 3/2, 3/2 मतलब ए 3 है, ये बी 2 है। ए जो है x प्लस 8 डेज वर्क करता है, देखिए ए जो कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन x प्लस 8 डेज, तो ये समझ में आया ए 3 है बी 2 है, तो ये हुआ। इसको सॉल्व अगर करें तो क्या आ रहा है, देखिए 6 × 3 = 18 और ये 10, तो 8x = ये हुआ 40 × 2 = 80, यानी x = 10 days। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं, x का वैल्यू आया 10, x तो 10 है ना, 10 days, 10 बोलते हैं, उसके बाद वो जहां है वहां लगेगा तो होगा x 10। इसका मतलब ये हुआ कि b 10 डेज वर्क करता है और a 18 डेज वर्क करता है, ये हमने निकालने के बाद कहा, हो गया। अब आप देखिए कि वर्क कितना है, तो आप देखिए 10 डेज में b, 18 डेज में a, तो a जो है कुल काम कितना किया, 18 डेज में 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 18 × 5, यानी 90 यूनिट वर्क किया, और बी ने कितना वर्क किया, बी ने 6 यूनिट पर ये के हिसाब से 10 × 6 = 60 यूनिट्स वर्क किया, 60 यूनिट्स वर्क किया। अब आप मुझे बताइए कि कुल मिला के काम खत्म हुआ ये 90 और ये 60, यानी 150 यूनिट्स, यही टोटल वर्क्स थे, और दोनों मिलकर के 11 यूनिट पर डे वर्क करते हैं, तो इतने काम को कितने दिन में करेंगे बताइए। ये 13 × 7/11 होगा कि नहीं, डेज आंसर 13 × 7/11, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर सब कुछ लिखा क्यों गया है, ताकि आपको समझना है ना, एग्जाम हॉल में क्यों लिखेंगे सर, एग्जाम हॉल में तो तुरंत बोलेगा 5-6, ये कैलकुलेशन मन में होगा, आप यहां सीधा ए वाला लिखिएगा, एग्जाम हॉल में सिर्फ इसको लिखिएगा 5 × 6 इतना वर्क, ये रेशियो, एक बार में एक्स का वैल्यू 10, ये 60, 90, 150 / 11, ये आंसर एग्जाम हॉल में आपका यही रिएक्शन होगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है।
कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, देखिए एक सीधा सवाल है, सम ऑफ रुपीज 91,000 इज बोरोड एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ द अमाउंट इज टू बी पेड इन टू ईयर्स द अमाउंट विल बी, टू ईयर्स के बाद अगर पे किया जाना है तो कैसे पे किया जाएगा। आप इसको तरह तरह से बना सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे करेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जो आपका होगा रिएक्शन वो होगा, बताता हूं कैसे वो होगा। सबसे पहले पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, फिर बात करूंगा कैसे। 44%, देखिए हम लोग क्या करेंगे, फट से बोलेंगे ऐसे और फिर बोलेंगे ऐसे और फिर बोलेंगे 91,000 फर्स्ट इज द आंसर, यही आपका रिएक्शन होगा एग्जाम हॉल में। पहला बताता हूं कैसे, और दूसरा तो ये 91,000 है 20% के रेट से, या ऐसे ऐसे बताता हूं, 20% और 20 का 20%, तो 20% कितना होगा, 18,200 सिंपल इंटरेस्ट 18,200 और इसका 20% कितना होगा, 3,640। यही है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 36,400 और ये डिफरेंस है 3,640। तो हम लोग बोलते हैं 36,000 39,000 और ये 600 200 200 को 40,000 40, इसको कंबाइन करके बोलते हैं 40,000 40, ये 40,000 40 और ऐड कर देते हैं 131,040, दिस इज अमाउंट। समझ में आया, ये हमने कैसे किया, कुछ नहीं किया, हम लोग जानते हैं कि 20% 20 का 20% 44% हमने 44% निकाला, किसका, 91,000 का। तो देखिए कैसे करें, तो 1% 910, हमने कहा 44 into 910, हमने कहा 11 into, ऐसे मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 3640 और फिर हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 11 से मल्टीप्लाई करना हमें आता है 04004 40,040 और इसी को हमने यहां पर ऐड किया। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो और मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम आए हैं उसको अगले एपिसोड में, बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। Okay, all the best.